जी देश को बचाना है तो बीजेपी है, देश को बचाना है तो बीजेपी। हाँ देश को मतलब बचाने वाली बात है, बाकी बचाना है। कांग्रेस ने इतने सालों में क्या करा? मोदी अपनी जगह पे सही है, मोदी जी ने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया ना कोई, अगर आप उसके बारे में गलत बोलते हो तो चीज गलत है। एक प्रधानमंत्री जी को जो करना चाहिए था उन्होंने करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस के जो नेता वाले तो टांग खींचने वाले हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। उनका काम है एक दूसरे की टांग खींचना, जो आदमी काम कर रहा है उसको नीचे गिराने के चक्कर में रहते हैं। ये बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जब तक वो सलामत रहे लाइफ टाइम वही रहे जी दिल्ली में। मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री है मोदी जी और यूपी के जो है योगी जी। अच्छा उनके बाद योगी जी को देखा जी? बिल्कुल देख। राहुल गांधी तो पढ़े लिखे ही हैं, तो आपके मनमोहन सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान लोग थे जैसे सब हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन उनको भी फ्री हैंड आप काम कहाँ करने दिए? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर के चल रही है। जनता का झुकाव तो अगर मोदी और राहुल गांधी से खेलेंगे तो आप सिर्फ मोदी के पास ही जाएगा आपके हिसाब से। मेरे तो चेंज के रूप में किसे देखने जाएंगे? राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। राहुल गांधी को इनका मोदी जी कुछ नहीं है, जीरो है। ये हीरो बन के जीरो हो गए जब से किसानों के सामने आंदोलन, ये 13 महीने आंदोलन, 750 किसान मरे थे। हमारे तो एक ही राय है बीजेपी। अच्छा। बाकी और कुछ नहीं। बीजेपी और कुछ नहीं जी, देश को बचाना है तो बीजेपी है। देश को बचाना है तो बीजेपी। हाँ देश को मतलब बचाने वाली बात है, बाकी बचाना है। कांग्रेस ने इतने सालों में क्या करा? कांग्रेस से ही देश को बचाना है। हाँ जो भी पार्टी है, अदर पार्टी जो भी है, आम आदमी हो चाहे जो भी है, बीजेपी तो बीजेपी। बीजेपी है क्यों सर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी? इसलिए लगता है कि जी दिख रहा है काम, दिखता है काम। अच्छा चलिए कुछ काम बताइए हमें जो आपको मतलब जिनसे आप इम्प्रेस्ड हैं बीजेपी के या मोदी जी के, कुछ ऐसे काम? बहुत सारे काम है, क्या क्या गिनवाऊं बताइए? चलिए चार काम बताइए। अब देखो दिल्ली में देखो ये जो अभी आपने इंडिया गेट से रिंग रोड के लिए टर्नल बनाया है, आज कितने साल हो गए दिल्ली को भारत को आजाद हुए, आज तक कोई ऐसा काम हुआ है? अभी जाके देखे अब टर्नल सीधा इंडिया गेट में निकलता है, रिंग रोड पे मिलता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम है जो अपने को पता नहीं। चलिए और आपको लगता है कि विपक्ष से बचाना है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता वाले तो टांग खींचने वाले हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। उनका काम है एक दूसरे की टांग खींचना, जो आदमी काम कर रहा है उसको नीचे गिराने के चक्कर में रहते हैं। यह लेकिन राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि दावा करने से कुछ भी कर लो वो कुछ नहीं, दावा करने से क्या होता है सर? इतनी बड़ी यात्रा करके आए हैं पूरे देश, कुछ नहीं होता यात्रा करने से। लोगों के बीच माहौल बदल गया है? नहीं कुछ नहीं बदला। ऐसा यात्रा करने से अगर माहौल बदलने लग जाएगा तो सारे लोग यात्रा करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक ही है अपना कहना है कि बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। नहीं बोलिए आपकी क्या राय है? मैंने कहा आम आदमी इतनी यात्रा करता है कुछ नहीं होता, वो हमारे बीजेपी है, बीजेपी। हाँ तो वो तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। कुछ भी कर लो तो मोदी जी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं इसकी बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जब तक वो सलामत रहे लाइफ टाइम वही रहे जी दिल्ली में। मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री है मोदी जी और यूपी के जो है योगी जी। अच्छा उनके बाद योगी जी को देखना चाहिए? जी बिल्कुल देख। राहुल गांधी के नंबर आप? नहीं नहीं ये तो जरूरत नहीं है, दूर तक दूर तक राहुल गांधी दूर ऐसा क्यों कह रही है? जरूरत ही नहीं है, उन्होंने किया क्या है 70 साल से क्या करा? किस लिए रखा है जी? उनका नाम जो पप्पू रखा है किस लिए रखा है? जो रखा बताइए। अब इसीलिए रखा, उल्टी उल्टी बात करें, आलू से सोना और सोना से फलाना, ऐसा होता तो फिर सारे। हाँ आपको क्या रहा है? आपको नहीं लगता राहुल गांधी को बनना? नहीं 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 नहीं, जब हमारे हमारी लिस्ट में नहीं है, हमारे जनता को फैमिली जब बीजेपी के साथ है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी के साथ में? नहीं 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 बीजेपी सही है बिल्कुल। केजरीवाल जी का मॉडल वो उससे पसंद नहीं है? दिल्ली वाला अलग, देखो केजरीवाल जी अलग चीज है, वो देखो वो है हमारे राष्ट्रपति, उनका अलग हिसाब है और बीजेपी का अलग है, बीजेपी सरकार है, कोई बात नहीं। बीजेपी करती है, किसी ने सोचा भी है आपका कि नोटबंदी हो जाएगी? कभी सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा। ये वही दमदार बंदा है, देखो घर का मुखिया अगर 36 इंच वाला, ये सीना वाला 36 56 इंच सॉरी तो कम कर दिया आपने। हाँ दबंग दबंग होना चाहिए, अगर घर का मुखिया दबंग है तो किसी माई के लाल के जो है आंख उठा के देख नहीं सकता। आपको लगता है कि इतिहास में जो काम पहले नहीं हुए मोदी जी ने वो अब करके? बिल्कुल बिल्कुल कर दिए ऐसे काम, काम किसकी मती जो नोटबंदी करते, जनता के दिल में अच्छी जगह बनाई मतलब जबरदस्त, पूछ नहीं सकते आप। विपक्ष ढेर हो जाएगा वो, मैं विपक्ष को तो जोड़ता सारा एक हो जाए तो
अरे देखो वो अलग बात है यार, गीदड़ उदड़ मिलके कुछ भी कर ले वो अलग चीज़। हाँ जी, विपक्ष के चांसेस हैं वापसी के? नहीं, मेरे तो मेरे नॉलेज में तो नहीं। आप बताइए 2024 वापसी होगी आपको लगता है, अगर विपक्ष पूरा इकट्ठा हो जाए तो? नहीं, या मोदी जी वापस? देखो ये जनता का कोई भरोसा भी नहीं है, ये बात तो सही है। किधर पलटती है किधर रहती है इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जो हम तो बीजेपी वाले नहीं, हमारी राय से तो कांग्रेस ना आ पाएगी, बीजेपी ही आएगी। आपके साथ से बीजेपी ही आएगी? बीजेपी ही आएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं ऐसा लग रहा है माहौल देखकर, माहौल देखकर ऐसा लग रहा है ओनली बीजेपी। चलिए थोड़ा आ जाइए, ओनली बीजेपी क्यों ऐसा, क्यों ओनली बीजेपी क्यों? दूसरा कोई है ही नहीं जो काम कर रहा है देश के लिए। दूसरा कोई ऐसा नहीं है काम कर रहा है, पर दूसरे को मौका भी था मिला अभी कांग्रेस को, राहुल गांधी कह रहे हैं। इससे पहले लगातार तो मौका मिला, कहाँ कुछ कर लिया आप, कहाँ कुछ कर लिया, ये बात आपकी जाए। लेकिन एक चीज़ ये भी कहते हैं कि मोदी का एक अलग क्रेज है लोगों के बीच, क्रेज नहीं है। आप अगर पढ़ाई लिखाई पे ही बोल रहे हो तो पढ़े लिखे ही हैं, तो आपके मनमोहन सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान लोग थे जैसे सब हम सभी लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन उनको भी फ्री हैंड आप काम कहाँ करने दिए, जो देश के लिए जो काम कर रहा है बस उसी को जनता चुनेगी, और वो है सिर्फ अभी बीजेपी जनता की नज़र में। आपके हिसाब से मनमोहन सिंह जी को फ्री हैंड काम नहीं करने दिया, यदि आपको लगता है फ्री हैंड काम करने दिया होता तो कुछ और छवि होती है? जी बिल्कुल, वो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं और देश के लिए बहुत कुछ करके जा सकते थे। हालांकि एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ कठपुतली बना के रखा सरकार उनको, पुतली बना के रखा मनमोहन सिंह जी। तो आपको आखिरी सवाल यही होगा, 2024 में क्या लगता है किसकी वापसी होगी? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी पक्का? हर हर मोदी, घर घर मोदी एंड योगी आल्सो। किस तरफ आपका झुकाव है, मतलब बीजेपी? बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। यस, क्यों आपको ऐसा लगता है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर कर चल रही है, और उसी की वजह से जो आप चल रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के साथ। यस, उसका फायदा देखने को मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा, श्योर। यस यस बिल्कुल। भाई साहब दूसरे हाथ पे देखे तो कांग्रेस है दावा कर रही है राहुल गांधी की छवि बदली है, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने हाल ही में पूरी करी है। अभी नहीं है कांग्रेस का, नहीं है अभी कुछ भी, वो तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं ना। दावा तो करते रहते हैं, सब करते हैं, आप भी कर रही है, यूपी में मुलायम भी कर रहे हैं, मतलब मायावती भी रहे हैं। आपके हिसाब से दावा सफल नहीं होगा? नहीं होगा। तो कह रहे हैं छवि बदली है, तो आपको लगता है कुछ छवि बदली है? अभी इतनी नहीं बदली है जितना वो सोच रहे हैं, अभी जो थोड़ा है चेंजिंग, बाकी का पूरा अभी कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उनकी आएगी। अभी आपके हिसाब से वही बात? अभी वही। और भी लोग हैं लेडीज, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हैं आप? राजनगर, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से जी सर। तो 2024 का चुनाव है अगले साल, तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। जी जी। तो क्या लगता है कि बीजेपी की वापसी होगी या कांग्रेस या कोई अन्य दल कुछ खेल करेगा? आई थिंक बेटर है पहले से, प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते कि आई थिंक जो जरूरतें हैं अभी भी वो इनकम्प्लीट हैं, मतलब कुछ कुछ कमियां हैं जो अभी देखें। जी या बिल्कुल। तो संतुष्ट नहीं है मतलब? नहीं अभी नहीं। तो बदलाव देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। बदलाव के रूप में यदि मैं पूछूं आपसे कि किसको देखना चाहती है, कोई ऐसा चेहरा राजनीति के क्षेत्र से? आई थिंक मेरी फेवरेट तो बीजेपी है। हाँ जी, और मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा ग्रोथ करे, तो मेरी वोटिंग बीजेपी को होगी। और इम्प्रूवमेंट हो? जी जी बिल्कुल। मतलब चाहती पर बीजेपी को? जी जी। तो कोई सही नहीं है? कोई सही नहीं है। क्यों? सही तो जब ही देखा जाता है, तो आज इंसान मतलब कुछ प्रोग्रेस करे, अभी तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा। अभी तो हिंदू मुस्लिम के वाद विवाद में ही सब उलझे पड़े हैं। हिंदू विवाद के मुस्लिम में? हाँ, सब उसी में उलझे पड़े हैं। अभी तो कहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, हमारे इधर तो बिल्कुल नहीं, यूपी में तो, यूपी में तो बिल्कुल नहीं, यूपी में नहीं है। लोग तो दावा कर रहे हैं, यूपी के बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जाके देखो पता चलेगा विकास हो रहा है या कहाँ है विकास। देखा कभी विकास? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो बदलाव देखने चाहते हैं? बिल्कुल। किसको देखने चाहेंगे? कांग्रेस को। इधर आ जाओ। जो अच्छा विकास लाए बच्चों की, मतलब भाई युवाओं के लिए तो यही है कि नौकरी मिले। अब सब पढ़े लिखे सब बेरोजगार है, तो बेगर कांग्रेस वाले कहाँ है? देखो जब बढ़ता है तब, जब खड़ेंगे ठीक, तो जब दावा भी करेंगे हम, जब तभी तो कुछ करा नहीं। मतलब राहुल गांधी को देखने चाहेंगे क्या प्रधानमंत्री? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जनता का झुकाव इस वक्त जहाँ है, जैसे आप इस वक्त नॉर्मली कंडीशन देख रहे हैं, अभी देश की कंडीशन जिस हिसाब से देख रहे हैं, तो जो इस वक्त लोग हैं वो काफ़ी तरीके से कई जगह पर डिवाइड हो रखे हैं। ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सारे के लोग बीजेपी से डिवाइड हैं या कुछ लोग कांग्रेस से डिवाइड हैं। इस वक्त ऑप्शन जो है जनता के पास आज की सिचुएशन देख के वो काफ़ी सारी हैं।
ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि जनता ने ऐसा देख लिया है कि हाँ जो पिछले 8 साल से जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है देश के अंदर वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा एक एक तरीके से फ़ायदेमंद रही हो या बहुत ज़्यादा किसी भी लोगों के लिए इंटरेस्ट इसमें सरकार के साथ अभी आगे डेवलप्ड हुआ हो। तो किसी तरीके से ये सिचुएशन ये आई है कि अब देखा जाएगा लोगों के पास ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, देखते हैं थोड़ा जो इस वक्त जो पोजीशन बनेगी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर वो ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक ही चेहरे को लेके बनेगी, चेहरे काफ़ी हैं उनमें से जनता जैसे कि चेहरे आप बताएं गिनवाना चाहिए अगर जैसे अब अगर हम बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी का मोस्ट प्रोबेबली जो चेहरा एक ही चलता हुआ रहा है 8 साल से, इससे भी पहले आप नरेंद्र मोदी जी को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस को लेकर चलते हैं तो अभी जहाँ तक एक रिसेंट बात करें जो अभी राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा उसको लेके, और जो अभी इनके अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के खगड़े जी उनको लेके, उनके कुछ कैंपेन इस तरीके के रहेंगे जो कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए तो नहीं है खड़गे जी, प्रधानमंत्री पद चेहरे के लिए तो सिर्फ राहुल गांधी का ही दावा करती है कांग्रेस। दावा करती है, पहले भी दावा करते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी या गांधी परिवार से कोई बनेगा, लेकिन हमेशा से कांग्रेस का ये रहा है कि वो चेहरा हमेशा किसी दूसरे को ऐसा लेके आए हैं जो अपने देश के लिए बेनिफिशियरी रहा। गांधी तो बन नहीं पाई थी ना, नहीं पाई थी वो पर्टिकुलर, उनका विरोध किया गया था, विरोध तो यहाँ राहुल गांधी का भी हो रहा है। तभी पहले भी यहाँ पर जो आए थे मनमोहन सिंह जी आए थे जिनके सरकार में आए थी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट जो बने थे, फिर वो प्रधानमंत्री बने भी थे। उसके बाद जो दूसरे चुनाव होते उसमें प्रणब मुखर्जी का नाम आया था, बट अब क्या है अब ये देखना होगा कि कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है पर्टिकुलरली। अब इलेक्शन होगा, 1 साल है या अभी जो 1 साल का जो टर्म बचा हुआ है इसके अंदर कोई ना कोई चेहरा वो डेवलप करेंगे। आपके हिसाब से अगर मैं बताऊं 2024 के चेहरे के लिए राहुल गांधी और मोदी जी हों तो उस पे लग क्या आपको लगता है जनता का झुकाव किस तरह? जनता का झुकाव तो अगर मोदी और राहुल गांधी से खेलेंगे तो आप सिर्फ मोदी के पास ही जाएगा। मेरा नाम भगवान राम जाखड़। जाखड़ जी, अच्छा कहाँ से है सर? मैं राजस्थान बाड़मेर से। विशा उब चुकी है, नए चेंजेस चाहती है। चेंजेस चाहती है, उब चुकी है, क्यों ऐसा लगता है? ये तानाशाह लोग ये फासिस्ट तानाशाह लोग आपके हिसाब से? वो तानाशाही जो कर्मचारियों पर आए दिन लाठियां बरसा रहे हैं, जगह जगह विरोध हो रहा है, किसान आंदोलन के बाद भारत का रुख चेंज हो चुका है। किसान आंदोलन के बाद हमारी इंडिया की जनता चेंज चाहती है। चेंज चाहती है आपके हिसाब से? मेरे तो चेंज के रूप में किसे देखने जाएंगे? राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री होना, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा देते हैं। लेकिन जनता आपको लगता है जनता अब जनता अब जुमलेबाजी में नहीं फंसना चाहती। इनके आंकड़े पूरे नेट पर सर्च कर लो, कूड़े झूठे झपटे हैं, पूरे झूठे झूठे झपटे जुमलेबाजी आपके हिसाब से। इनकी सरकार में एक गडकरी जो ये है ना सड़क मंत्री वही सही काम कर रहे हैं, बाकी सब चोर है, बाकी सब चोर है। तो अगर ये लोग अडानी अंबानी के लिए कमा रहे हैं देश को इनका, मोदी जी कुछ नहीं है, जीरो है, ये हीरो बन के जीरो हो गए। जब से किसानों के सामने आंदोलन, ये 13 महीने आंदोलन, 750 किसान मरे थे, उनको श्रद्धांजलि इसने नहीं दी। उसके बाद में भारतीय जनता ये चाहती है कि ये हमारी तानाशाहों की सरकार, किसानों की सरकार, कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज कृषि प्रधान देश है, उसमें चेंजेस चाहते हैं। तो अगर नितिन गडकरी चेहरा हो प्रधानमंत्री का तब आप समर्थन करेंगे? नहीं, अभी एक बार तो चेंज चाहते हैं। जनता की राय उसकी तरफ होनी चाहिए जो देश के लिए कुछ कर सके, सम्मान कर सके, देश का आदर कर सके। अभी आपने देखा था कि मेयर के चुनाव के वक्त इन्होंने बीजेपी वालों ने इलेक्शन नहीं करवाया था, तो कई बार ऐसे मुद्दे उठे थे, रोडों पे लोग बाग देख रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, ये चीज़ें गलत है। अगर जिसकी सत्ता बनी है तो आप उसको हक दे सकते हो पूरा कि आप आगे आओ और आप तो अपनी कुर्सी, अब मेयर बन गए तो उसके लिए भी इन्होंने अभी कोर्ट का ऑर्डर था तो जब भी बन पाए वो आप सभी को पता है, क्योंकि बनने नहीं दे रहे थे। तो आने वाले के देश में ऐसा नेता होना चाहिए जो देश को सुधार सके और देश की सेवा कर सके और कदम से कदम मिला के चल सके जनता के बढ़िया। कोई ऐसा नहीं है कि आ जाए, हम राजनीति करने वाले तो बहुत मिलेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो आपको लगता है इस चीज़ में सफल रहे हैं या फेल हुए हैं, आपको क्या लगता है? अगर नरेंद्र मोदी अपनी जगह पे है, उन्होंने काम अच्छा किया है, तो उसका वोट तो फिर जनता ही सपोर्ट करके बताएगी। अगर किया है नहीं, मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ आपकी राय। मेरे हिसाब से अब जो कुर्सी पे बैठा हुआ है उनको ही पता होता है कि हम देश के बारे में कैसे करना है और कैसे चलाना है। अब हम तो बैठे नहीं है तो हम कभी बता नहीं सकते। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी अभी तक सही राह पर हैं कि
या फिर विपक्ष उनको मतलब हटाने में सक्षम होगा जो दावे कर रही है कांग्रेस पार्टी या अन्य दल? मोदी अपनी जगह पे सही है, मोदी जी ने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया ना कोई, अगर आप उसके बारे में गलत बोलते हो तो ये चीज़ गलत है। एक प्रधानमंत्री जी को जो करना चाहिए था उन्होंने करके दिखाया। दिस इज वेरी गुड प्रधानमंत्री, अच्छा काम कर रहे हैं देश में, बहुत बढ़िया। अच्छा क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, क्या अच्छे काम आपको ऐसे लगते हैं? अक्सर अच्छे काम सर, काफ़ी अच्छे कार्य काम कर रहे हैं। जैसे कि बेरोजगारी आ गई अब तो, समझ रहा हो? मैं उम्र 22 साल का हूँ, मैं 22 साल का हूँ सर, मैं नल्ला हूँ बिल्कुल 2 साल से। क्या किया है? कोई नौकरी नहीं मिल रही है मुझे। क्वालिफिकेशन क्या है? अरे सर मैंने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करी है, पर कुछ तो नौकरी मिले, पीओएनजी मिल जाए कम से कम। अप्लाई किया है? नहीं अप्लाई किया है, बहुत जगह अप्लाई किया। अप्लाई किया जयपुर में। जयपुर में? हाँ जयपुर में।